तो आप दोबारा कभी पोर्न नहीं देखना चाहेंगे। अपने सभी दोस्तों को रील शेयर कर दे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप जितना अधिक पोर्न देखते हैं आपकी प्राथमिकताएं उतनी ही अधिक विशिष्ट हो जाती हैं? तो अब आप कोई भी रैंडम वीडियो नहीं देख सकते हैं, बल्कि आपके उत्तेजित होने के लिए वीडियो की एक विशिष्ट श्रेणी होनी चाहिए। पोर्न यही करता है। ये आपकी कामुकता को असंवेदनशील बनाता है और ये आपको और अधिक की आवश्यकता महसूस कराता है। आखिरकार हो सकता है कि आप वास्तविक चीज का आनंद भी न ले पाएं या आप पूरी तरह से उत्तेजित हो जाएं। एक और चीज जो पोर्न करती है वह यह है कि यह आपके डोपामाइन सिस्टम को सुन्न कर देती है, जिसे इनाम और प्रेरणा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। शायद आपने देखा होगा कि आप हमेशा प्रेरणा पाने के लिए संघर्ष करते हैं, या आपके जीवन में चीजें जैसे वीडियो गेम खेलना या फिल्म देखना अब उतना मजेदार नहीं रहा है जितना पहले हुआ करता था। ऐसा तब होता है जब आपका डोपामाइन सिस्टम सुन्न हो जाता है, और पोर्न हमारे जीवन में डोपामाइन को सुन्न करने वाले सबसे बड़े कारकों में से एक है। यदि आप हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो संभवतः आप मुझे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। यदि आप हैं तो बधाई हो, आप हर दिन बढ़ रहे हैं। जिस लड़की को पसंद करता था अब उसे मैं इग्नोर कर देता हूँ। लाइफ में ले ले थोड़ा रिस्क, आई वांट तेरा इश्क, इश्क। सपनों की कीमत बहुत ज्यादा थी दोस्त, माँ और घर दोनों छोड़ना पड़ा। जिन लोगों से बात करने को दिल तड़पता था आज उन लोगों को जवाब देने का भी दिल नहीं करता। हाँ मानता हूँ बहुत लोगों से हम पीछे रह गए, पर अपनी मेहनत पे इतना तो यकीन है कि उड़ान देर से ही सही पर सबसे ऊंची होगी। बहाने बनाने वाली जनरेशन में साथ देने वाली ढूंढ रहा हूं, मेकअप करके फिल्टर लगा के लौंडों को रिझाने वाली जनरेशन में सादगी को श्रृंगार समझने वाली ढूंढ रहा हूं। मैं आज के मॉडर्न जमाने में उस पुरानी ख्यालात वाली लड़की को ढूंढ रहा हूं जो एक वक्त में सिर्फ एक लड़के से प्यार करती है। आई नो मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर मिल गई ना तो कसम से जाने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर पाके रहूंगा उसे। वो सड़क वो गली गई, जिंदगी से कली गई, याद आई कुछ दिनों फिर याद आनी भी चली गई। किसी को बताना मत सर, बॉडी ऐसे बनती है, बनाएगा नहीं कोई। अरे बिगड़ गए तो बिगड़ गए, अब नहीं सुधर सकते, और हमारा मुकाबला वो भी तुम, अरे तुम्हारे बड़े भी नहीं कर सकते। जियो मेरे भाई। हाँ भाई, जो कुछ भी था सब कुछ खो चुका हूँ, करके सबका भला। देख मेरे भाई, फिर से अकेला हो चुका हूँ। मेरा दिल दे टुकड़े, सीने विच बिखरे। मैं लड़की पटाने के लिए जिम में नहीं आता ब्रो, मैं जिम में इसलिए आता हूँ ताकि मरते वक्त मैं अफसोस ना करूं कि मेरी बॉडी जो शेप डिजर्व करती थी मैं साला उसे दे नहीं पाया। वक्त आ गया, दिखा अपनी ताकत, दिखा अपना हुनर, दिखा दे सबको तू क्या कर सकता है। अंदर के जानवर को जगा, चल कितना भी दर्द दे दे, लेकिन साला एंड में यही सोचकर चुप हो जाता हूँ कि क्या करूँ भाई, साली अपनी किस्मत ही ऐसी है। एक तारा किस्मत। अब चाहे जो हो जाए तेरे पास नहीं आऊंगा, बात अगर तेरे बगैर रहने की है तो मैं रहकर दिखाऊंगा हमको तेरे। इस दुनिया में ना ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, ठीक है। तो कुछ बंदे बोलते हैं मैं एक साल से जिम जा रहे हो, बॉडी नहीं बन रही, ये नहीं बन रही। तो भाई टाइम मेरा बर्बाद हो रहा है, पैसा मेरा बर्बाद हो रहा है, बॉडी मेरी नहीं बन रही है, तो भोसड़ी को तुम्हारा क्यों फट रहा है। हम फिर मिलेंगे, इस जन्म तुम मेरी ना सही, अगले जन्म सिर्फ मेरी हो। अलविदा प्रिंसेस। इस जन्म के लिए अलविदा प्रिंसेस। वर्कआउट